शराब घोटाले मामले में अब से कुछ ही देर बाद सिसोदिया की पेशी होनी है। कोर्ट से ईडी आज सिसोदिया की रिमांड मांगेगी। ईडी ने एक दिन पहले लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। आज ही सीबीआई की गिरफ्तारी में सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होनी है। कानूनी लड़ाई के बाद सड़क पर आप बीजेपी में संग्राम है। कोर्ट के बाहर से मेरे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जेल के बाहर से अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय का रुख करेंगे। संजय, आप जानकारी दे रहे थे कि 2 बजे ये सुनवाई शुरू होगी, वक्त पर है? जी हाँ, कोर्ट ने तो यही कहा था कि 2 बजे उन्हें पेश किया जाए, लेकिन जब अभी तक वो तिहाड़ जेल से निकले नहीं है तो ऐसे में मुश्किल लग रही है कि 2 बजे तक वो पहुंच पाएंगे, लेकिन 2:30-2:30 बजे तक भी अगर आ जाते हैं तो सुनवाई तो आज की तारीख में ही होनी है और आज की तारीख में सुनवाई में कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। फिलहाल शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये खबर उड़ाई गई कि मार्केट में ये किया गया कि उन्हें ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, लेकिन उस समय भी हमारे सूत्र ये बता रहे थे कि मनीष सिसोदिया को फिजिकली यहां पर लाया जाएगा, क्योंकि आज ईडी के मामले में पहली पेशी है तो ऐसे में उनको यहां लाया जाएगा। और एक तरफ मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी है जो सीबीआई के एफआईआर के मामले में जमानत की अर्जी है, और दूसरी तरफ ईडी उनकी कस्टडी की मांग करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी 10 दिनों की कस्टडी की मांग कर रही है। ईडी ने पूरा वो क्वेश्चन आयर और तमाम ये बता रखा है कि वो एक दिन में क्या करेगी, दूसरे दिन क्या करेगी, यानी हर दिन का उनके पास चार्ट तैयार है कि क्या क्या चीजें इन्हें करनी है और 10 दिन की हिरासत क्यों चाहिए। 10 दिन की हिरासत को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखी है। अब ये कोर्ट पर निर्भर होगा कि कोर्ट कितने दिन की हिरासत ईडी की कस्टडी में, कितने दिन मनीष सिसोदिया को भेजते हैं। तो ऐसे में अमूमन होता यह कि 10 दिन की कस्टडी है तो 7 दिन या 5 दिन की हिरासत मिलेगी और उसके बाद वो प्रगति रिपोर्ट बताएंगे कि अब तक हमने यही अचीव कर लिया है, यही अचीव करना बाकी है, तो उस पर फिर कोर्ट आगे कस्टडी देती है। लेकिन पिछली बार जहां सीबीआई का मामला है, सीबीआई ने 5 दिनों की कस्टडी मांगी थी और कोर्ट ने 5 दिनों की ही कस्टडी दे दी। उसके बाद इन्होंने 3 दिनों की कस्टडी मांगी, कोर्ट ने 2 दिनों की कस्टडी, उसके बाद ये जुडिशियल कस्टडी में चले गए, यानी सीबीआई की कस्टडी से बाहर। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। लौटेंगे संजय, अगर सीबीआई अक्षय डोंगरे का रुख करना होगा। अक्षय, 2 बजे कोर्ट में पेशी होनी थी, सुनवाई होनी शुरू होने वाली थी, लेकिन अब तक जेल से ही नहीं निकले हैं, क्या फॉर्मेलिटीज चल रही है वहां? नेहा, एक एक ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहेंगे कि तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया को निकाल दिया गया है। अब से तकरीबन 10 मिनट पहले मनीष सिसोदिया को यहां से निकाला गया है। दिल्ली पुलिस की बटालियन नंबर 3 मनीष सिसोदिया को यहां से ले जा चुकी है। हम आपको एक बार यहां के विजुअल दिखाएंगे। पहले काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी तिहाड़ जेल के आसपास। अब देखिए, पुलिस की जितनी भी गाड़ियां थी, सभी गाड़ियां बसें भर के पुलिस वाले जो यहां पर इंतजार में थे, वो सभी एस्कॉर्ट करके मनीष सिसोदिया को यहां से ले जा चुके हैं। तो जिस तरह से संजय बता रहे थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी की जो इंतजार है वो चल रहा है, लेकिन अभी यहां से खबर आ रही है डीजी ने खुद कहा है कि मनीष सिसोदिया को जेल से निकालकर, तिहाड़ जेल से निकालकर राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ ले जाया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब से तकरीबन आधे घंटे में मनीष सिसोदिया राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंच जाएंगे, यानी कि सुनवाई जो थी 2 बजे की वो अब लगता है वक्त पे ही होगी। पहले जिस तरह की संजय ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात भी चल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब फिजिकली पेश किया जाएगा, क्योंकि पहली पेशी है ईडी के मामले में और जो पहले डिले का एक डर था उसको मद्देनजर रखते हुए टाइम से इन्हें अब यहां से मनीष सिसोदिया को निकाल लिया गया है। कई लेवल की बैरिकेडिंग है पूरी दिल्ली में ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मनीष सिसोदिया सुरक्षित भी रहे और उन्हें ठीक तौर से पहुंचाया भी जा सके राउस एवेन्यू कोर्ट। कोई प्रदर्शन बीच में ना हो जाए, इसके चलते कई सारी बैरिकेडिंग करी गई है पूरी दिल्ली में, जगह जगह पर नाकेबंदी हो रखी है और उसी के चलते ने मांगी है। संजय जानकारी दे रहे थे कि बकायदा डे वाइज एक आइटिनरी बनाई गई है कि किस दिन उनको कौन से सवाल करने हैं, किस तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ाना है। इनमें से क्या कुछ वो भी सवाल हो सकते हैं जो सीबीआई उनसे पहले भी कर चुकी है? अक्षय, आपसे मेरा ये सवाल है। एक बार अगर आप फिर दोहराएंगी सवाल नेहा। मैं ये कह रही थी कि अगर 10 दिन की रिमांड मांगी गई है तो किस तरीके से ईडी जांच को आगे बढ़ाएगी इस 10 दिनों में, किस तरीके से क्वेश्चनेयर एक तैयार किया गया है। संजय जानकारी दे रहे थे डे बाय डे कौन से दिन क्या सवाल किए जाने हैं, इनमें क्या वो भी सवाल शामिल होंगे जो सीबीआई पहले कर चुकी है?
देखिए दो अलग अलग केस है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट स्ट्रिक्टली मनी लॉन्ड्रिंग के जितने केसेस हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनकी जांच कर रही है, और सीबीआई ने जो चार्जशीट बनाई थी वो करप्शन के चार्जेस पर बनाई थी। तो ऐसे में सवाल बहुत ज्यादा अलग नहीं रहेंगे, लेकिन एक तरह से एक अलग एंगल में लेकर ईडी अपनी जांच को लेकर जाएगी, जिसके चलते जो भी सवाल रहेंगे वो मिलते जुलते ही रहेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से कोर्ट के सामने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये जस्टिफाई करना होगा कि अगर उन्हें कस्टडी चाहिए तो क्यों अलग कस्टडी चाहिए और क्या अलग सवाल रहेंगे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास संजय और अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको वहां की दिखा देते हैं जहां पर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही है कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए अब लगातार प्रदर्शन गर्म हो रहा है, क्या इस बात की भी संभावना है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां पर और ज्यादा बल का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए कुछ देर पहले बल का इस्तेमाल किया भी गया, तस्वीरें आप देखिए यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें पुलिस अपनी सरकारी बसों में हिरासत में लेकर यहां से ले जा चुकी है। तो जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहां से फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन चूंकि राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को लेकर पहुंचेंगे अधिकारी, और ऐसी स्थिति में यहाँ पे सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप पोस्टर कोने कोने में लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और जाहिर है कि ये जो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था इसके लिए ये बसें यहाँ पर लाई गई थी कि हिरासत में लेकर यहाँ से बीजेपी नेताओं को हटाया जाएगा। लेकिन आप देखिए हमारे आसपास आपको कितनी फोर्स ये नजर आ जाएगी, और जाहिर है कि यहाँ पे जो तमाम बीजेपी के प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हिरासत में लिया जा चुका है। तो यहाँ पे फिलहाल सिर्फ फोर्स नजर आ रही है नेहा, अगर आप देखें तो पूरे रास्ते को खाली करवा दिया गया है, और यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के नेता मौजूद थे उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन हिरासत में लेकर जाया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अभी एहतियातन जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बड़े अधिकारी जो है दिल्ली पुलिस के, वो लगातार मौजूद है। बैरिकेड नेहा जो है अभी भी पूरे इलाके में लगाए गए हैं, और यहाँ पे कुछ देर पहले तमाम जो बीजेपी के नेता पहुंचे हुए थे वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए थे और लगातार नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार का विरोध कर रहे थे। तो जिस तरह से ये पूरा मंच तैयार किया गया था उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए, सड़क के बीचों बीच यहाँ पे जो मंच तैयार किया गया था आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, वहां से भी अब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटा रही है। तो जो आम रास्ता है उसे फिलहाल बंद किया गया है, क्यों? क्योंकि यहां से ही कुछ ही दूरी पर नेहा आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, और उसके ठीक बगल में मौजूद है राउस एवेन्यू कोर्ट, जहां पर मनीष सिसोदिया कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी सामने देखिए ये तस्वीरें हैं, इंतजाम किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, फोर्स की तैनाती की गई है कोर्ट और आम आदमी पार्टी दफ्तर के बीच में बैरिकेड लगा के, अभी भी इस रास्ते को नहीं खोला गया है। और तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं नेहा फिलहाल उन्हें हिरासत में लेकर यहां से पुलिस दूर लेकर चले गई है। इस बीच तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, रास्ते से हटाया गया है, क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट के ही बेहद नजदीक आपका दफ्तर है जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है। पंकज जैन हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि कुछ रास्ते बंद भी कर दिए गए हैं। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े। पंकज देखिए ये एक बहुत बड़ा मौका है विपक्ष के लिए, बीजेपी इसे भुनाना चाहती है क्योंकि दो बड़े नेता आपके इस वक्त जेल के अंदर है, और ऐसे में अगर ये मौका उन्होंने गवा दिया तो हो सकता है जब तक अगली सरकार ना चुनी जाए उनका मौका ही नहीं आएगा। देखिए राजनीति के लिहाज से समझे तो 2 साल बहुत कम होता है, और 3 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरे कर लिए हैं, और ऐसी स्थिति में बीजेपी अपना जोर लगाना चाहती है। मंच से हमने जो भाषण सुने ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे दिल्ली में साल 2025 में उसकी तैयारी करने के लिए आई हुई है। और तस्वीरें आप देखिए अभी भी यहाँ पे कुछ बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ से गुजरते हुए, और साथ ही साथ जो बाकी नेता थे उनको पुलिस ने यहाँ हिरासत में ले लिया गया है, और साथ ही साथ जो बयान थे चाहे वो बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी हो, चाहे वो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा हो, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हो वीरेंद्र सचदेवा, इन सभी के बयान एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। एक तरफ सौरभ भारद्वाज है जिन्होंने हाल ही में मंत्री पद संभाला है, सचिवालय में मौजूद है, आतिशी हैं, इनकी गिरफ्तारी की बात भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो यहाँ पे सीधी सी रणनीति है कि आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार हमला किया जाए, चाहे जो भी मंत्री बनकर आए। पंकज नजर बनाए रखिए क्योंकि प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आप दफ्तर के बाहर सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं।